मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने दृढ़ विश्वास से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। जो तुम कल थे, आज वो नहीं हो, मतलब तुम कल से ज़्यादा मजबूत हो गए हो और भविष्य में तुम आज से भी ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। हमेशा अपना सिर ऊंचा रखकर ही जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए नए मौके भेज रहा हूँ ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको, और अब उन मौकों को पहचानना तुम्हारा काम है। घर के बड़ों की सलाह से ही काम करो, तुम्हें लाभ होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वो लोग अब तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी ये मत सोचो कि कौन तुमसे आगे बढ़ गया है और तुम कितने पीछे छूट गए हो। हर इंसान की ज़िंदगी का अपना एक सफ़र होता है, इसलिए हर कोई जहाँ है वो मेरी मर्जी से है और तुम किसी से पीछे नहीं हो। तुमने अपनी सफलता के जितने भी पड़ाव पार किए हैं, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अपनी हर मुश्किल से लड़कर ऊपर उठे हो तुम, मुझे तुम पर गर्व है। कुछ गलतियाँ हुई हैं तुमसे भी, लेकिन मैं अपने बच्चों को माफ़ कर देता हूँ। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। मैं दोषी हूँ, इस भावना को अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ, उस राह पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहाँ तुम्हारा चुनाव अवश्य होगा। बस श्रद्धा और सबूरी रखो, नाम जप करो, जीवन में हमेशा अच्छे पलों को याद करो तो मन प्रसन्न रहेगा। बुरे अनुभवों को भूल जाओ, बस उनकी सीख याद रखो। जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखा जा सकता है, चाहे तुम्हारे माता पिता हो या तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे छोटे बच्चे। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, अगर मन में सीखने की इच्छा हो तो। मेरे बच्चे, कभी कभी जो तुम्हारे प्यारे से बच्चे हैं वो भी तुम्हें कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो तुम्हें जीवन में चल रही परेशानियों का सामना करने के लिए हौसला दे जाती है। इसलिए ये न सोचो कि मुझे सब पता है, बल्कि हमेशा विनम्र होकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। उनकी बातें सुनो, समझो और सीखो। समय और परिस्थिति के अनुसार खुद में भी बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए हमेशा ये न सोचो कि जैसा चल रहा है बस वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम खुद में बदलाव लाओगे उतनी ही जल्दी परिस्थिति भी बदलती जाएगी। मेरे बच्चे, निरंतर बदलाव ही जीवन का सत्य है। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।